प्रिय विद्यार्थियों, आरसे एजुकेशन ऑफ बानसूर के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आप वीडियो के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उसको आप बिल्कुल खुश होकर के पढ़ें और अच्छा उसको उतार करके और आगे नोट्स भी बना लें। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अब आज चलेगा आपका सर्वनाम शब्द किम। किम जो सर्वनाम शब्द है, प्रिय विद्यार्थी, किम जो सर्वनाम शब्द है ये आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, इससे संज्ञा शब्द रूप जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में होगा तो सर्वनाम शब्द किम को उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में डाल करके और प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाएंगे। किम सर्वनाम शब्द, किम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। तीनों लिंगों में किम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। यह सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम आता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं इससे। जिस लिंग में संज्ञा शब्द, जिस लिंग में संज्ञा शब्द होगा या विभक्ति वचन में होगा, जिस लिंग में संज्ञा शब्द होगा या विभक्ति या वचन में होगा उसी के अनुसार, उसी के अनुसार यह सर्वनाम शब्द, उसी के अनुसार यह सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए बनाने हेतु भरा जाएगा, भरा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, किम सर्वनाम शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग बांटा है। यह सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम आता है। जिस लिंग में संज्ञा शब्द होगा या विभक्ति वचन में होगा उसी के अनुसार यह सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हेतु भरा जाएगा। जैसे इस सर्वनाम शब्द के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। इधर अब ऊपर बताते तो बता देता हूँ। जैसे ये कॉलम है लिंग का, ये वचन एक वचनम, ये द्विवचनम और ये बहुवचनम। पुल्लिंग जो है इसमें किम का एक वचन होगा कह,
द्विवचन होगा कौ और बहुवचन होगा की। स्त्रीलिंग है इसमें स्त्रीलिंग का एकवचन होगा का, द्विवचन होगा के और बहुवचन होगा कहा। प्रिय विद्यार्थी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग प्रथम व्यक्ति के रूप दिए जा रहे हैं। अभी नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों के रूप आगे पढ़ाए जाएंगे। नपुंसक लिंग जो है उसमें एकवचन होगा किम, द्विवचन होगा के और बहुवचन होगा कानी। प्रिय विद्यार्थियों ये प्रथम व्यक्ति के एकवचन द्विवचन बहुवचन आपके सामने दिए जा रहे हैं, बाकी नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जाएगा, उदाहरण के लिए जैसे आयम बाल कहे अस्ति, इससे अपन जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो इसके नीचे क्या डालें, यह बालक है तो आप इसको प्रश्न में बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे अयम, अब बालक है जो पुल्लिंग का एकवचन है तो पुल्लिंग का एकवचन क्या है कह है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कह है अस्ति। जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह, यह कौन है। जैसे दूसरा बनाया इयम बालिका अस्ति, यह है बालिका है, यहाँ पर जो बालिका जो स्त्रीलिंग एकवचन है तो इसका बनेगा इयम का अस्ति। इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। यह सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक बनाने के काम ही आता है। प्रिय विद्यार्थियों इनको अच्छी तरह पढ़ लें, आगे जो रूप इनके लिखवाए जाएंगे वो और भी लिखवाए जाएंगे, तो प्रथम विभक्ति के ही लिखवाए गए हैं, प्रथम विभक्ति से आपको समझाया गया है थोड़ा थोड़ा, बाकी आगे आपको बड़े जो इनके रूप लिखवाए जाएंगे जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उनमें रूप लिखवा करके और फिर आप इनको संज्ञा शब्द के अनुसार इनको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें। धन्यवाद।